आज ये बात भाई मना लो, जिसकी दोस्त है मना लो, मार मार दूंगा मैं। सबसे मेन बात है वो मुझे छोड़ कैसे गए, अगर वो हरकत कर भी रहे तो। चैनल में आ चुका हूँ न्यू वीडियो के साथ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो जल्दी जल्दी आएगी बट नहीं आ पाती किसी रीजन की वजह से। बट अब मैं कोशिश करूंगा कि हर वीक में एक वीडियो आए। और आपके इतने सारे कमेंट आते हैं, आप भूल गए हो कि आपका यूट्यूब चैनल भी है और वीडियो डालना भूल जाते हो आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे सब कुछ याद है, आप लोग सब याद हो मुझे। बट अब वीडियो जल्दी जल्दी आएंगी और आज की वीडियो होने वाली है वी इग्नोर्ड सुरभी। सुरभी और खुशी, मैं कभी कभी सुरभी को खुशी बोल देता हूँ, खुशी को सुरभी बोल देता हूँ, बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है। सुरभी को इग्नोर करने वाले हैं अभी। उसको हमने बोला है कि आज मेरा ब्लॉग बनने वाला है, हम बाहर चलने वाले हैं, मैं, कुणाल भाई, सुरभी और मोहक भाई। तो अभी हम चार जाने वाले हैं। अभी सुरभी को कुछ नहीं पता है कि हम उसको इग्नोर करने वाले हैं। शायद उसको आइडिया लग जाए दो तीन रिएक्शन देख के, पता नहीं, अभी देखते भी क्या रिएक्शन होने वाला है। कुणाल भाई रेडी हो चुके हैं नहा के, ठंड में इन्होंने चार दिन बाद नहाया है। मैं नहाते क्यों नहीं, तुम क्या नहा के क्या होगा भाई, पूरी स्मेल आती है घर में, नहाया करो यार तुम टाइम से। रोज नहाता हूँ। शक्ल देख के ऊपर बोलो ना एक बार, बस वैसे तुम स्मेल दिखा रहे हो ना, पता चल रहा है तुम रोज नहाते हो। फली बनने के लिए बोल देते हैं गाइस। हो चुके हैं सब रेडी। मोहक भाई की तबीयत खराब चल रही है एक दो दिन से, बट अब एक दो दिन से नहीं, कल थोड़ी बहुत हुई थी और अब एकदम ठीक हूँ मैं। अब ठीक हो तुम? हाँ बढ़िया एकदम। सुबह जिम नहीं गए, इनको थोड़ा सा बुखार था। मैंने बुखार चेक किया तो 100 था, रात को तो 102 तक था, फिर सुबह 100 था, फिर उसके थोड़ी देर बाद ठीक हो गया मैं। अब तो एकदम परफेक्ट हूँ। मैं भी हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। मेरे को भी तीन चार दिन से मतलब ऐसी था, बट अब ठीक है। सबकी तबीयत खराब चल रही है इस टाइम, बट अब सब ठीक है। चले चलो राहुल भाई, चल रहे हो क्या? कहाँ चलना, कहाँ है आज? जी मेरी तबीयत खराब है अभी। राहुल भाई से तीन या चार बार मिल चुका हूँ, इनको हमेशा इनकी हमेशा तबीयत खराब मिलती है भाई। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलना पड़ता है। पपीते खा लो, अंडे मुझे लगता है मोहक भाई ने खा लिए। क्या अंडे? अंडे मोहक भाई ने खा लिए, मैंने 10 उबाले थे और उन्होंने खा लिए। ये वैसे भी 3-4 दिन पहले गए। ये पता क्या करवाते हैं, अंडे उबाल लेते हैं, खाते हैं नहीं। तभी कैसे परेशान बैठे हो? अरे यार मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मेरे पास डेबिट कार्ड है नहीं, तो ओटीपी डैड के नंबर पे चला गया और फोन उठा नहीं रहे, तो बहुत परेशानी। इतनी सी बात? इस प्रॉब्लम का तो मेरे पे अच्छा सॉल्यूशन है। क्या? अकूडो। अकूडो की वजह से तुम्हारे पास खुद का डेबिट कार्ड होगा और खुद का डिजिटल बैंक होगा, ना ओटीपी की झंझट ना कुछ, और ये 100% सेफ है। अकूडो इंडिया का लर्निंग फर्स्ट डिजिटल बैंक है। जैसे कि आपकी एज 18 ईयर से कम है और आपका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है और आपको ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करना होता है, ऑनलाइन कुछ खरीदना होता है, तो आप अपने पेरेंट्स से बार बार ओटीपी पूछते हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया अकूडो ने। अकूडो आपको खुद का एक प्लेटिनम वीजा कार्ड अवेलेबल करवाता है जिसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो आसानी से, और उस डेबिट कार्ड पे आपका खुद का नाम होगा। आपको तो पता ही है इंडिया में 18 से कम ईयर्स वाले लोगों को खुद का डेबिट कार्ड नहीं मिलता, तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है अकूडो ने। अकूडो का इंटरफेस इतना सिंपल है कि आप 2 मिनट में अपने पेरेंट्स के फोन से अकूडो की केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो, और आपको यहाँ पे अपनी सेविंग करनी है तो आप अपना गोल भी सेट कर सकते हो। सपोज आपको एक फोन लेना है तो उस हिसाब से आप अपनी सेविंग कर सकते हो, और यहाँ पर आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करते हो, सेविंग करते हो, तो अकूडो आपको काफी सारे रिवॉर्ड्स भी देता है। और यहाँ पर साथ ही आपको काफी सारे शॉर्ट्स वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जैसे पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ सेविंग कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आपके पास खुद का डेबिट कार्ड नहीं है और आप टीनेजर हो तो आपको अकूडो को जरूर चेकआउट करना चाहिए, और अकूडो बिल्कुल सेफ है। अकूडो पार्टनर विद आरबीएल बैंक एंड वीजा, तो जल्दी से चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 3 तारीख को है क्या? नहीं, 3 तारीख को वो है क्या, क्या बोलते हैं, शनिवार? नहीं शनिवार नहीं, थर्सडे। थर्सडे 3 तारीख को। हाँ मेरा बर्थडे है। बर्थडे क्या होता है? बर्थडे क्या? मेरा बर्थडे है। चला है भाई कुणाल भाई, तुम्हारे बाल सेट तो है यार, मेरे बाल देख। अच्छा यार साइड में। मोहक भाई कैसा लग रहा है पीछे बैठ के? मेरे को तो मजा आता है पीछे बैठे, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है।
तो कोई पूछ भी रहा है? मुझे पता है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। मुझे लग रही है बहुत है इसकी भूख, तो हम रोकेंगे कहीं पे। कुणाल कहीं पे रोक दो, ठीक है? तू कौन है? तू कौन है? कुछ आगे नहीं आने दे रहे। अभी हम आए एक जगह पे जो जगह आपने ऑलरेडी पहले कई बार देख चुके हैं बीच में, क्योंकि घर के पास जो जगह है ना वो यही है, कुछ समझ नहीं आता, हम इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ना। अभी हम कार में आते यही बात कर रहे थे कि हम कहाँ जाए, जाए तो जाए कहाँ। ये मुझे इतना इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, मुझे इग्नोर नहीं कर रहा है, शर्म नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल ये मुझे इग्नोर नहीं कर रहा है भाई। हम तुम्हें नहीं सुनना चाहते, क्यों बोले जा रहे? तो हे गाइस, मैं आ चुकी हूं नई वीडियो के साथ। बंद कर दे, बंद कर दे मोमोज। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सोच थोड़े बहुत खा ले। एक चीज बता, अभी हम जा रहे हैं, इग्नोर अपनी जगह है। मैंने तुम्हें बोला कुछ खाने के लिए और अब तुम डिसाइड कर रहे हो तुम मोमोज खाएंगे। तुम डिसाइड करने वाले होते कौन हो? अब हम खाएंगे मोमोज, जिसको खाना होगा खाएगा, जिसे नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। नितेश, अब तू मुझे बताएगा कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं? हां मैं बताऊंगी, क्योंकि तूने मुझे खिलाया जो मेरे को खाना था और तू मुझे इग्नोर नहीं कर। भैया तीन जनों के लिए, तीन जनों के लिए नहीं, चार जनों के लिए। अरे खाली प्लेट बहुत हो रहा है मोमोज। बेशरम लोग इनसे बोलना नहीं जा रहे फिर भी। एक वेज, एक नॉन वेज और बस। मेरे को एक प्लेट दे देना, खाली प्लेट। मेरे को खाली प्लेट नहीं भैया, मेरे को मोमोज वाली प्लेट दे देना। क्या मोमोज वाली प्लेट खाली? ठीक है, तो भूख लग गई बहुत तेज मोमोज देख के भी। क्या भैया, तो भैया भैया मुझे देना चाहिए था ना आपको। चलो भैया पैसे लेके आओ। मैं लेके आऊं पैसे? भाई वेज वाले दे तो लाओ। अच्छा लो पागल हो गया। सोच का एक मोमोज लड़की से क्या क्या करवा सकता है? मुझे तो देना। भाई ऐसे रोड पे चलते इंसानों को दे देने चाहिए, ऐसे पीछे भगा रहे आप। भैया देखना नीचे गिरा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, देख लो। अब दे देता हूँ, रो रही बेचारी। पेट तो भर गया थोड़ा बहुत। मैं तो खाया ही नहीं जा रहा, अजीब सा हो रहा है। मैंने मोमोज भी एक पीस खाया, उसके बाद खाया ही नहीं गया। मैंने तो खा लिए। चलो अभी हम खेलने वाले गेम। ये क्या बात हुई? ज्यादा हो रहा है। तू मुझसे बात नहीं कर सकता, तूने मुझसे बात कैसे कर रहा है? मैं तो इसको बोल रहा हूं, ढंग से करो। थैंक यू। ये हमारे साथ नहीं है, पैसे ले लेना इसे अलग। मैं नहीं दूंगी भैया पैसे, यही देगा। कुणाल भाई जीत गए। कुणाल खिलाड़ी आदमी है। कैसे भाई? ओ यार, लाओ भैया गिफ्ट दो, गिफ्ट दो भैया। क्या ये वाला, क्या वाला, कौन है? हमारे साथ घूमे जा रही है जब से, मूड खराब कर दे इसने मेरा। मेरे को दिला देगा ना ये? भाई मार मार दूंगा मैं, जिसकी भी दोस्त है मना लो इसे। आज ये बात भाई मना लो, जिसकी दोस्त है मना लो, मार मार दूंगा मैं, बता रहा हूँ अभी। भाई को तो पकड़ ही लिया, पता ना क्या। हाँ नहीं तो ऐसे चिपक, चुड़ैल की तरह चिपक गए। चुड़ैल हो, चुड़ैल तो है, चिपकने वाली बात अलग है। यार इसको तो मैं खिलाने ही नहीं, जो साथ में हमारे घूम रहा बंदा उसको तो खिलाने। सबसे पहले तो मुझे दे दो भैया। बंदा बढ़िया खेला जो उसके पहले खेला था ना, वो मैं थी, वो सुरवीर राठौड़ थी। बाहर आ गया एक, इसे बॉल कौन दे देता भाई? ये लड़की पीछे छोड़ ही नहीं रही हमारा। मैं नहीं छोड़ूंगी और मैं इनके सारे गेम बिगाड़ूंगी, क्योंकि मेरी आज है तबियत खराब, तो इसलिए मैं थोड़ा चुप चुप बैठा। चलो चलो चलो, बास्केटबॉल खेल रहे हैं।
बहुत अच्छा बोल सकता है, बस लाइन सीधी रखो। ओहो ये वाला नहीं जाएगा भैया, कहते तो ऊपर आई है, पैरा बॉल खेलते हैं ना, वही बॉल अंदर जाएगा, उस पे टच होके नहीं आएगी, आ सकती है, ये वाला बॉल जाएगा। बहुत ऐसे ही फेंक सकते हैं कॉफी खाने में, बैठा भाई अब दिखाओ रियलिटी। तो चलो भाई मैंने एक तो बहुत सही शॉट मारा है, ये कम ऑन 18 बॉल खेले हमने, किसी का भी नहीं गया सबको, मैं तो बहुत दूर दूर था, कुणाल भाई और मोक भाई का एकदम पॉइंट पॉइंट, बहुत बुरा हाल है भाई, बुरा हाल में बुरा हाल है। ये तो ऐसा रहता है फुटबॉल के साथ ही चली जाएगी, ये है कौन वैसे, ये है कौन वैसे, मुझसे बोला है, मैं इससे क्यों बोलूंगा भाई, मैं तो अपनी फैमिली से बोल रहा था। ओके देख ये देख मो, हां मुझसे बोला क्या भाई, ने तो दिमाग खराब कर रखा है इस फोन ने, तो दिमाग खराब कर रखा, मत करो दांत तोड़ दो इसके। अभी सुरभि गई है मोशन, और उसे लग रहा है कि हम इसका वेट करेंगे, लेकिन हम उसका वेट नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं फिलहाल कुछ खाने चलाते हैं इतने अंदर, और लक्की को हमने यहीं पे छोड़ दिया है, वो जब आएगी उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन बताइए मत हम कहाँ हैं, तो बताइए मत कि हम, अगर ठीक रिएक्शन हो तो कॉल कर दियो आ जाएंगे, अगर ज्यादा बेकार हो तो घर चले जाएंगे, ठीक है भाई बाय। इन्हें पता नहीं है कुछ भी, काहे मोहक, वो तो घर चले गए, चल मजाक कर रहा है, मैं क्यों मजाक करूंगा, सही में तू क्या कर रहा है यहाँ पे, झूठा कर रहा है, तुम्हारे साथ आना है क्या, वो मेरे को लेके नहीं गए, तू यहीं से निकलेगा घर अपने, हाँ खा मेरी कसम वो घर चले गए, हाँ उन्होंने तो मेरे को ये बोला, कहाँ जा रही हो, कुणाल नितेश गए, वो चले गए, तीनों एक साथ ही चले गए, यार हद हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है, घर गए हैं कहाँ गए हैं, तेरे को यहीं छोड़ गए हैं वो, हाँ उन्होंने तो आ जाइयो, तू तो व्लॉग शूट कर रहा है, तो उन्होंने मेरे को ये बोला, मैं देख तुझे क्या पता होगा कहाँ गए, हमने सुरभि को माफ कर दिया, सुरभि रोने लग गई, सुरभि की आंखों में आंसू आ गए थे, तुम डर गए मुझसे, मैंने बोला ना जा रही हूं, कैसे डर गए तुम मुझसे, हम डर गए मोक तू अब इग्नोर, चैलेंज खत्म हो गया मेरे से, क्या मैं, मेरी तबीयत खराब है, मैं इसलिए चुप भी बैठा हूं, आज मैं किसी से बात नहीं कर रहा, देख नितेश ने मुझे बोला कि देख भाई तुझे मेरी कसम है तू चैलेंज में बिल्कुल नहीं बोलेगा उससे, तो मैं नहीं चाहता ना मेरे भाई की कसम झूठी, मैंने तुझे मेरी कसम दी, तुझे उसकी कदर नहीं, कब दी तूने, तो कसम ही नहीं दी, दी थी झूठी, कोई नहीं फिर भी मुझे इग्नोर नहीं कर पाए, इग्नोर तो नहीं, तो फुल क्या, तू चिपक गई हमसे मधुमक्खी की तरह,
मतलब ये चैलेंज ऐसा नहीं लग रहा था कि हम सुरभि को इग्नोर कर रहे हैं, हमें इरिटेट कर रही है। हाँ, ये लग रहा था सुरभि इरिटेट कर रही है हम तीनों को। हाँ नहीं तो परेशान कर दे इसने, ये तो गलत बोला मुझे। लेकिन वीडियो में मजा आया हमें तो सुरभि को इग्नोर करके। तो वीडियो को मैं खत्म करते हैं, वीडियो थोड़ी कंटिन्यू रहेगी एक दो दिन, वीडियो को ही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। बाय बाय।